जय हिंद। चलिए हम समझते हैं इंडियन रेलवे के दो सबसे फेमस कोचेज के बारे में। एक ये नीले रंग वाली ICF और ये लाल रंग वाली LHB। देखिए, ये नीले रंग वाले ICF कोच का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में ये बनती है। और ये वाला जो LHB होता है ना, लिंक हाफमैन बुस, ये जर्मनी की कंपनी है, इसको कपूरथला में बनाया जाता है। ये 1952 से बनना चालू हुई है, बहुत पुरानी है, ये सन 2000 में आई है बनकर, इसलिए ये थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से है। इसका जो है ना, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई। हम यहाँ छोटा छोटा कोटेशन कर दिए हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये स्टेनलेस स्टील की बनी है जिस वजह से ये भारी है, जबकि ये माइल्ड स्टील की बनी है जिस वजह से ये हल्की है। LHB कोच अभी ये मॉडर्न है, धीरे धीरे इसको पूरा हटा दिया जाएगा, अब इसी को यूज़ किया जाएगा। आप देखेंगे तो ये जो होता है ना, इसमें एयर ब्रेक का यूज होता है। आप देखेंगे चैन पुलिंग होगा तो इसमें एयर ब्रेक का प्रयोग, एयर ब्रेक के प्रयोग होने से इसको ब्रेक लगाने पर काफ़ी दूरी पर जाके रुकती है, जबकि इसको देखेंगे तो ये डिस्क ब्रेक का प्रयोग होता है, और डिस्क ब्रेक के प्रयोग होने से ये बहुत ही कम दूरी पर जाकर ये रुक जाती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सेफ है। इसकी बात करेंगे तो इसका जो सस्पेंशन होता है वो उतना अच्छा नहीं है, इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से ये 80 डेसिबल का आवाज़ निकालता है, गड़गड़ गड़गड़ करता है, धाम भड़ाम चलेंगे तो हल्ला करते रहेगा। और जबकि LHB कोच जो होता है इसमें केवल 60 डेसिबल की आवाज़ आती है, इसमें आवाज़ कम होती है जिस वजह से कंफर्टेबल होता है। और कंफर्टेबल का एक और वजह है कि इसमें जो सस्पेंशन का प्रयोग होता है, आप सस्पेंशन देखेंगे दोनों में, तो LHB का सस्पेंशन में देखिएगा तो इसका जो सस्पेंशन होता है वो डबल सस्पेंशन, एक जो इसका मेन सस्पेंशन है वो तो है ही है, आइए सेकेंडरी सस्पेंशन जो बीच में लगाया जाता है इसमें हाइड्रोलिक का प्रयोग होता है, जबकि इसमें स्प्रिंग का प्रयोग होता है। देखिए, ये देखेंगे बहुत हल्ला करता है, इस वजह भड़बड़ भड़बड़ करता है ये, और ये कम हल्ला करता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें आप ध्यान से अगर इसको इमेज को, हम अगर इस इमेज को बड़ा कर दें तो आप देखिएगा तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टाइप का सस्पेंशन दिख रहा है, यहाँ से ये वी शेप में आया है और ये ऐसे चला गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इस एक्स्ट्रा सस्पेंशन से, कि जो बॉगी होती है, ट्रेन का जो डिब्बा होता है, ऊपर नीचे तो सस्पेंशन स्प्रिंग रोक ही लेता है, लेकिन जो ब्लू कलर वाली LHB है ना, वो दहिने बाएं नहीं रोक पाती थी, तो इसलिए उसमें बैठिए ना तो झोर देगा, एकदम ऐसे ऐसे फेंक देगा वहाँ पर। जनरल बोगिया तो लगता है ऐसे जो उठा के बाहर फेंक देगा, लेकिन जब से LHB आया है तो इसमें साइड सस्पेंशन भी दे देने से वो साइड के भी बहुत से झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी हर हाल में अगर बात करेंगे तो अच्छा कौन सा है, LHB है, लेकिन दोनों हर चीज़ की कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट होती है। देखिए, ICF कोच में खुद की बिजली बनाने की क्षमता है और ये बैटरी से बिजली को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से इसके अंदर डायनेमो लगाया गया है, और यह डायनेमो इसको बिजली तो दे देता है लेकिन इसकी स्पीड घटा देता है। इसकी स्पीड को हम मैक्सिमम 120 पे ले जाते हैं, हालांकि 120 से ऊपर नहीं ले जाने दिया जाता है, हम जबकि 160 रोक सकता है, लेकिन इसकी स्पीड को 120 रखा जाता है, क्योंकि डायनेमो बिजली तो दिया लेकिन स्पीड घटा दिया। इसकी बात करेंगे तो इसकी बॉगी में डायनेमो ही नहीं लगाया गया। अब जब डायनेमो नहीं लगाया गया तो इसका स्पीड भयानक है, ये 200 स्पीड ले जा सकता है, लेकिन इसको 160 की स्पीड पर ले जाया जाता है। तो आप कहिएगा कि सर इसमें डायनेमो नहीं है तो बिजली कैसे बनेगा, रतिया को अनारे बैठेगा सब? तो देखिए, अंधेरा में नहीं रहता है सब। LHB कोच में देखिएगा तो आपको साइड वाले बॉगी में एक ठो जनरेटर कार लगा दिया जाता है, उसमें आधे में जनरेटर कार रहता है, आधे में सामान रख दिया जाता है, बहुत हल्ला करता है इससे, भड़ 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 पीछे जनरेटर, और यही पूरी सप्लाई देता है बिजली को। तो ये ICF समझ गए, ये LHB समझ गए। LHB हर हाल में अच्छा है, इसमें सेंट्रल कपलिंग की जाती है, वो हम आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में बता देंगे सेंट्रल कपलिंग क्या होता है। आप देखे होंगे लोहे के दो प्लेट टाइप के होते हैं दो बोगियों के बीच में। अब आप देखे होंगे ट्रेन 18, ये भी ICF नहीं बनाया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने ही बनाया है, इसी को वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं। के डिब्बा लगे हैं, एक को शीशा लगाया है यहां से यहां तक, इसको बर्जर कहते हैं। तो ये ICF नहीं बनाया, इसे बर्जर के नाम से जानते हैं, ट्रेन 18 जो बहुत फेमस है वंदे भारत के नाम से। अब जो ट्रेन के बॉगी की सबसे मुख्य जानकारी है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ट्रेन का जो पहिया जिस पे चलता है ना, उसे हम लोग कहते हैं बॉगी। तो ये हो गया बॉगी, इसी पे पूरा ऊपर ट्रेन चलती है बॉगी पे। हम लोग कहते हैं किस बॉगी में बैठोगे भैया, इसमें कोई नहीं बैठता, चपा के मर जाएगा। ट्रेन का जो ऊपरी भाग होता है ना, इसे हम कहते हैं कोच कहते हैं या कार कहते हैं, इसे कोच भी कह सकते हैं या कार कह सकते हैं। ये कोच या कार किस पर रखा होता है, तो बोगी पर रखा होता है, समझ में गया। अब जब हम इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर आपको कंपार्टमेंट मिलेगा। अब कंपार्टमेंट क्या होता है, खंड। खंड देखे होंगे, कंपार्टमेंट आप देखिएगा किसी भी ट्रेन में तो उसमें 8 आदमी का कंपार्टमेंट दिखेगा। जैसे एक लंबी वाली कुर्सी इधर कुर्सी रहेगी, इस पर 3 आदमी इधर और 3 आदमी इधर, 3 3 6 और 2 एक एक ठो उस साइड में बैठा है, 6 2 8, यानी 8 आदमी को जो आराम से बैठने के लिए जो जगह बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट। जनरल बोगी में नहीं, 8 आदमी वाले में 45 को घुसे रहते हैं सब,
और ऊपर पूरा टंगा टंगा बैठे रहते हैं, तो जनरल का बहुत दुर्दशा हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में बड़ा वाला भी कंपार्टमेंट आता है, छोटा वाला भी आता है, समझ में आएगा। लेकिन जब एसी में जाइएगा तो ये जो कंपार्टमेंट होते हैं इसे बंद कर दिया जाता है, जिससे हम केबिन का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ये बड़ा वाला कंपार्टमेंट है, इस इमेज में देखिएगा तो ये छोटा वाला कंपार्टमेंट, ये बड़ा वाला। तो एसी के लोग अपने में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो जब आप बड़े वाले कंपार्टमेंट यानी जिधर लंबी वाली कुर्सी रहती है, बैठने वाला सीट रहता है, लंबी वाली सीट, तो लंबी वाली सीट को बाकी से बंद कर लीजिएगा दरवाज़ा से, तो उसमें छः आदमी का एक ग्रुप बन बैठ सकता है, तो उसे हम कहते हैं केबिन। केबिन समझ में आ गया। कंपार्टमेंट के बड़े वाले हिस्से को क्या कहते हैं, केबिन। अब इधर छोटा वाला हिस्सा जहाँ एक एक आदमी आमने सामने बैठते हैं, वो ठीक है, वो एरिया है हस्बैंड वाइफ सब के लिए, नया नया में बहुत बतियाता है सब। अब बाद में उसे जो है उसको केबिन में ले जाएगा, क्या कहते जनरल में चल, तो जब उसमें हस्बैंड वाइफ मान लीजिए जा रहा है सब, तो उसको क्या है कि वो छः वाले में कह लिए बैठेगा, डिस्टर्ब करेगा, सुबह दुबह बतियाएगा, बाकी टुकु टुकु देखेगा ठीक हो लोग, तो बतियाएगा डिस्टर्ब होगा। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका छोटा वाला कंपार्टमेंट को एक दरवाज़ा लगा दिया जाए, वो अपना बतियाते रहे। तो जब छोटे वाले कंपार्टमेंट में आप पर्दा या दरवाज़ा से खींच देते हैं, तो उसे कूप कहते हैं, कूप, समझ में आ गया। तो अब बताइए, इधर तो बड़ा वाला कंपार्टमेंट हो गया, इधर छोटा वाला कंपार्टमेंट, दोनों को मिला देंगे तो कंपार्टमेंट हो गया, बड़े वाले कंपार्टमेंट को केबिन, छोटे वाले कंपार्टमेंट को लूप, सॉरी कूप। अब दोनों कंपार्टमेंट के बीच का जो गली जैसा रास्ता होता है, आप स्लीपर बॉगी में जाके देखिएगा लंबी गली दिखती है, तो ऐसा लंबा गली दिखेगा। एसी में तो पर्दा कालीन वगैरह सब लगा रहता है, तो इस गली को हम लॉन बोलते हैं, लॉन। आप लोग को समझ में आ गया। अब ये मत कहिएगा कि किस बॉगी में बैठना है भैया, बॉगी में कह लिए बैठेंगे, आप तो कोच में बैठते हैं, कोच में फिर किस कंपार्टमेंट में जाएंगे। कंपार्टमेंट में भी आप देखेंगे कि बड़े वाले साइड की ओर बैठे हैं तो आप केबिन में हैं, छोटका साइड में बैठे हैं तो आप कूप में हैं, अब बीचवा में जो इधर जाते हैं घूम टहलते फिरते हैं उसको क्या कहते हैं, लॉन कहते हैं। समझ में आ गया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे पैसेंजर ट्रेन की जो दो टाइप की बॉगियाँ होती हैं, LHB और ICF। अब आप कहिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि मालगाड़ियों की जी भी आप देखेंगे कई टाइप की बॉगी होती है, वो एक तो सोच रहा ऊपर से खुला हुआ रहता है तो एक ऊपर से ढका हुआ रहता है, एक को देखेंगे तो पेट्रोल वगैरह ले जाता है, कुछ इस टाइप के रहते हैं, कुछ रोरो फेरी के काम में आते हैं खुले हुए टाइप के। इसको भी अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे कम समय में आसान भाषा में ज़्यादा जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद।